हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एलसीएम केक शॉर्ट ट्रिक। तो क्या है हमारे पास, हम लेते हैं जैसे हमारे पास वैल्यूज होती हैं 7, 14, 28, 56। ओके, ये क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जे क्या है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसमें 56 जाने के जो बड़ी वैल्यू है, इसमें बड़ी वैल्यू है 56। ओके, ये बड़ी वैल्यू है, इसको देखेंगे। बाकी इससे ये कट रही है, कट रही है ये वैल्यू 7 से, कट रही है 14 से, 28 से। अगर ये तीनों की मल्टीपल है, मीन्स सारे के सारे नंबर एक दूसरे के मल्टीपल हैं, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। ओके, सिंपल। सेकंड, जैसे कि हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे हमारे पास आता है 5, 15, 20, 30, कोई भी वैल्यूज आ जाती है। ओके, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या है हमारे पास, सबसे हमें पहले इसमें देखना है सबसे बड़ी वैल्यू। 30 है सबसे बड़ी वैल्यू, 5 की मल्टीपल है, इसको काट दो। 15 की मल्टीपल है, इसको भी काट दो। सेकंड क्या है, थर्ड 20, 20 से ये कट नहीं होगी। तो क्या करेंगे इसमें, हम जो है इसको ऐसे नंबर से बड़ी वैल्यू को मल्टीपल कर देंगे कि इसकी भी मल्टीपल हो जाए। ओके, तो क्या इसको 2 से करेंगे जाने के, ये 60 हो गया, 20 से मल्टीपल है 60, तो इसका आंसर ये 60 आ जाएगा। ओके, थर्ड क्या है इसमें, थर्ड जैसे कि हमारे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन, जैसे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 9, 18, 13, ये नंबर आ गए, तो क्या है इसमें सबसे बड़ा नंबर हुआ हमारे पास 18, सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है, तो 9 का मल्टीपल है ये। सेकंड हमारे पास क्या है 13, क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर आता है तो सिंपल जो बचेगा उसको बड़ी वैल्यू से हमें कर देना है सिंपल मल्टीपल, मल्टीपल करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और क्या है इसमें, हमारे पास और नंबर्स आ जाते हैं, जैसे हम लेंगे 5, 15, 17 और 30, तो क्या है सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 30 है, तो ये 5 की मल्टीपल है, 15 की मल्टीपल है, ये है हमारे पास प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है उसको वो हमारे हमें पता है कि किसी का मल्टीपल नहीं है, तो सिंपल उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हुआ हमारा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हमारा आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।